लॉन्च भी देखा है. वाह, बहुत सीधी सी बात है. इट्स रिकुजीज सन बीइंग लॉन्च्ड एंड इट्स हिज ट्रेलर. और जब रिकुजी ने मुझे इनवाइट किया तो मैंने कहा कि ऑफ कोर्स आई हैव टू कम. एसोसिएशन हैज बीन सो लॉन्ग एंड मुझे याद है मैंने प्यार से इनको हम कुन्नू कहते हैं जैसे सॉरी इफ आई हैव गिवन आउट समथिंग. तो आई हैव सीन हिम लाइक अ लिटिल चाइल्ड. और मिस्टर इंडिया में आपने जरूर देखा होगा जहाँ 2.5 किलो का चश्मा जरूर पहना दिया था. इतना बड़ा चश्मा था. और आज आई फील सो प्राउड टू सी हिम ऑन द स्क्रीन एज अ बिग स्ट्रैपिंग बॉय. और एक्शन सीक्वेंसेस इतने अच्छे किए हैं, गाना अच्छा किया है, ही इज डांस सो वेल एंड आई जस्ट फील प्राउड टू सी हिम लाइक दैट. सो यू नो फिल्म मेकिंग इज अ लॉट ऑफ वर्क. आई एम श्योर द प्रोड्यूसर्स, द शाइना हूज ऑलवेज लाइक स्टूड बिहाइंड देम लाइक अ पिलर, रिकुजी, एवरीवन फ्रॉम द स्टंट पर्सन, एक्शन मास्टर टू lyrics to music to everything has to come together. And Ashokji, yes, and Ashokji. So sabko ek saath kaam karke ek achhi film banani hoti hai and I'm sure there's so many emotions attached to it. That's why yahan pe matlab tissue paper bhi aa rahe the yahan pe. I'm sure it's a very emotional moment for everyone and I'm so glad that I'm part of it. I'm so happy to be here. All the best to you, Guru, Natalia, Ganesh, and Shekhar ji. Congratulations to you guys and all the best. I hope this movie is a big, big, big success. Thank you. Aap personally action films ki kitni badi fan hai? Action films aapko personally kitni? Oh, I love action films. Logon ko aisa lagta hai ki meri image ki wajah se ki unko बहुत मशी और रोमांटिक फिल्म्स पसंद होंगे, लेकिन मुझे एक्शन फिल्म्स बहुत पसंद है. और जब मैंने गुलाब गैंग की थी तो मतलब मैंने पूरी अपनी जो अंदर की जो ये थी पैशन था वो एक्शन के लिए वो पूरा कर लिया मैंने उस फिल्म में. बट आई लव एक्शन फिल्म्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस वन. शाइना की भी बचपन की आपकी बहुत सारी यादें हैं. इतने टाइम से आपके साथ काम किया उन्होंने एज अ स्टाइलिस्ट, एज अ डिज़ाइनर और आज एज अ प्रोड्यूसर आपके साथ बैठी है. वो बैठ भी नहीं रही थी, हमने ज़बरदस्ती उन्हें बैठाया हुआ है वहाँ पे और वो माइक भी नहीं ले रही है. अच्छा, एक और सीक्रेट बता रही थी, बता दूँ? आज बहुत सारे सीक्रेट रिवील हो रहे हैं. शाइना को हम मिनी कहते हैं प्यार से. शी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट अ नेम, शी सो टॉल. लेकिन वाकई वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन आई नो. और मुझे लगता है कि आई एम श्योर ही इज शी इज़ समवन हु इज़ एनकरेज्ड कुनू और हमेशा गिवन हिम वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ फीलिंग थ्रू आउट. एंड बिकॉज शी इज़ अ प्रोड्यूसर आई एम श्योर सबके सर पे बैठ के काम कराया होगा ठीक से. किया था सर सर पर्सनैलिटी. That's a new mini. After she's become a mother, I think. जितने लोग पर्सनली जानते हैं वो यहाँ से और यहाँ से रिएक्शंस भी दे रहे हैं. आपने कितना इन्वॉल्वमेंट था, क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट भी था या सिर्फ बाहर बाहर से वॉच कर रही थी? कितना पार्ट प्ले किया आपने इस फिल्म में? आई डोंट थिंक आई पर्सनली डिड एनीथिंग लाइक ऑन माय ओन. इट वाज ऑलवेज मुझे रात को तो रोज फोन आता था ना शूटिंग के टाइम कि भाई पहुंच जाना टाइम पे सुबह. या अबाउट दैट, बट आई थिंक इट वाज लाइक एवरीवन इज टुगेदर. इट्स अ टीम एफर्ट. एवरीवन everyone, and everyone worked with a lot of love and a lot of enthusiasm for this project. So yes. Karan, आपकी बड़ी chocolate boy वाली image थी और एक वो चश्मे वाली और अभी ये मारधाड़ वाली. हाँ, ये वाली. Guddu Shukla. No introduction now. Thanks, yeah. Mr. Suri. So, how was your experience shooting this film? Oh, it was wonderful, wonderful, and I'm so happy to be here in front of you guys. Pura team effort tha and guys pahunch gaye yaar hum log yaar. But before all this I want to thank Madhuri Deen for coming all the way here. Short distance. It means a lot to us. It means a lot to the whole team. Means a lot to us. With your presence over here, with your unconditional love and support, it matters a lot. Thank you. Thank you so much. Natalia, आपके आंसू थोड़े थम गए. बात कर पाएंगे अब? Yeah. अभी है.
किसी ने पहचाना नहीं है, थोड़ा बताएंगी तो शायद लोग रिकॉल कर पाएंगे. Yeah, I hear that. I mean, like, being an actress, I think that's part of the your job. I mean, every character you have to portray yourself differently. So I'm glad to hear that, because there I'm playing like a girl from the village, an Indian girl that from a village, I mean like from a very small city in Banaras, very small like place, and it took me a lot of hard work and a lot of research. We were there in Banaras for over 2 months. And I'm really glad to hear that, that you guys find that I look very different on screen, because that was the purpose of all the hard work you put into that. And yes, I'm happy. So you spent a lot of time in Banaras. Did you like the place now? I loved it. Actually, I put on so much weight because the food there is amazing and the vibes there were also amazing. I love the place and I love the people. Actually, I just love India. That's why I've been here for so long. And yeah, I had an amazing time there. Ganesh, so villain ka role ek to aur upar se itni dhamakedar Bollywood debut. Happy, content ya abhi aur crave kar rahe ho? Sabse pehle to media doston ko mera namaskar. Actually, aaj bahut khushi ka din hai. और दो बजे हैं तो बहुत सालों से बॉलीवुड में डेब्यू करना चाह रहा था और आज वो दिन आया जब ये ट्रेलर लॉन्च है तो बहुत खुश हूँ और इसलिए ये डबल खुशी है कि मैं माधुरी दीक्षित मैम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनके हाथों ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट एंड मैम व्हेन आई लुक एट यू आई रियलाइज दैट व्हेन यू रियली पैशनेट एंड डेडिकेटेड टू योर आर्ट द ग्रेस दैट यू गेट बिकॉज ऑफ दैट दैट इज परमानेंट सो यू आर एज ग्रेसफुल एलिगेंट एज यू ऑलवेज वर coming and honoring us, gracing this occasion. और इसके पहले साउथ में काफ़ी सारे फिल्में कर चुका हूँ मैं तो एक अच्छी लॉन्च एक्चुअली मैं मुंबई का छोकर हूँ तो काफ़ी लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि शायद ये हिंदी नहीं बोल पाएगा ये साउथ से तो पला बड़ा बम्बई में मैं मराठी खूब चांगला बोलती हूँ सगले मित्री महाराष्ट्र से सो लैंग्वेज हमेशा मेरे लिए एक प्लस हुआ है तो मराठी गुजराती पंजाबी हिंदी सब बोल लेता हूँ तो जब शेखर सर ने मेरी फिल्म देखी थी नागार्जुना के साथ आई थी फिल्म जहाँ मेन विलन एक्चुअली मेरे करियर में एक ही विलन रोल किया है मैंने तो शाइना और शेखर सर ने मुझे बुलाया और ये रोल ऑफर किया तो आई थॉट वाज राइट डेब्यू पर इसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी था बिकॉज साउथ में जो फिल्में मैंने की हैं इट इज मोर लाइक अर्बन कैरेक्टर्स तो ये जो आदमी हमारे डायरेक्टर सर ये बाहर से तो एकदम टेडी बेयर जैसे दिखते हैं पर पैकेजिंग खोलो तो अंदर एकदम जल्लाद है ही स्टार्टेड ब्लशिंग आल्सो बिल्कुल तो आई थिंक करण विल सेकंड मी बिल्कुल बिल्कुल चलो मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया बट आई कैन टेक दैट लिबर्टी विद हिम तो मुझे और करण को 15-20 दिन पहले ही बनारस भेज दिया और बोला कैरेक्टर खेल जाओ तुम लोग तो आई वुड स्पेंड माय डेज इन अस्सी घाट गेटिंग टैंड यू नो सीइंग दोस कैरेक्टर्स एंड coming and we kind of got into the character while shooting aise wa matlab yehi samajh ke gaye the ki hamare jeb mein koi paise waise nahi hai saste se saste hotel mein humne wahan par hum thehre and sab dhabe wabe ghume baaki body language logi study karne ke liye and interact kiya sab log se to get that whole feel of Banarasi guns of Banaras basically or I think I want to mention something these guys talk एक्चुअली मैं वही कहने वाला था और इसका श्रेय जा रहा है एक बहुत ही महान आई थिंक नंबर वन एक्शन कोरियोग्राफर इन इंडिया मिस्टर श्याम कौशल जी को यू वांट बिलीव इट जब मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी आई फेल इन लव विद हिज एक्शन द रियलिज्म क्योंकि मैंने उस किस्म का एक्शन साउथ में नहीं किया था और ड्रीम केम ट्रू आई गॉट टू वर्क विद हिम एंड वी बोथ वर लाइक लिटिल बॉयज ऑन द सेट वांटिंग टू इम्प्रेस सर and we were getting the blocking sab karte the par sir was like aur raw chahiye aur real chahiye sir sare stunts humne kiye na body double humne kiya sir ek mera kaha no there's no trade of body doubles so yeah so i would say sham sir set pe aane se pehle 3-4 din ke shoot pe subah subah aata tha yo dude what's up aise karke hum log shoot mein jaate the sham sir aane ke baad aur raw chahiye aur real chahiye to main aur karan baith ke humne baat kiya ki bro let's not talk to each other for 3-4 days तो सेट पे आते थे एक दूसरे को देखते थे खुलनस की नज़र से देखते थे और फिर इट रियली ट्रांसफॉर्म इतना ट्रांसफॉर्म हुआ कि एक बार गलती से पड़ गई मेरा कुछ ज़्यादा कैरेक्टर में आ गए थे विक्रम सिंह तो आई थिंक दे दिया तुमने मुझे ये मौका है सॉरी ब्रो हो जाता है कभी कभी कैरेक्टर में माफ कर दे माफ कर दे इट्स ऑल सॉर्टेड नाउ
तो शेखर जी, एक्टर्स ने क्या कुछ प्रिपरेशन